दुनिया ने तेज रफ्तारी का सफर तेजी से तय किया है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी 100 साल से ज्यादा अरसे से पिछी हुई पटरी पर सफर सुस्त रफ्तारी और हादसात के साथ तय किया जा रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ एक टुकड़ा मर्दान से चार सद्दा के दरमियान डाला गया और दूसरी कश्मोर लाइन है जो डीजी खान और जैकबाबाद को आपस में मिलाती है। पाकिस्तान का सबसे बदतरीन ट्रैक अगर कहा जाए तो वो सखर डिवीजन का है जो सखर से रहीम यार खान तक जाता है। इस ट्रैक की हालत इंतहाई ख़राब है, इसीलिए जितने भी अब तक रेलवे के हादसात हुए हैं उनमें 90% से ज़ायद हादसात इसी सखर डिवीजन के ट्रैक पर होते हैं। लिहाजा कराची से पिशावर तक और कराची से कोयटा तक फैला हुआ ये तवील रेलवे ट्रैक फिर से तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ रही है और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने की ज़रूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान और चीन ने सीपैक मंसूबे के तहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा इस लाइन को ML1 का नाम दिया है। यानी कराची से पिशावर तक की मेन लाइन को ML1, कराची से पिशावर जाने वाला 1872 किलोमीटर का ट्रैक एक्निक ने मंजूर कर लिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। पिछले साल 2020 में एक्निक ने 6.8 अरब डॉलर लागत से ML1 मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसमें 6 अरब डॉलर कर्ज होगा और बाकी 80 करोड़ डॉलर हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। लेकिन इस मंसूबे पर 8.2 अरब डॉलर की लागत का तखमीना भी लगाया जा रहा है। ये डबल रेलवे ट्रैक होगा और इसके गिर्द जियो फेंसिंग यानी बाड़ भी लगाई जाएगी। रेलवे के 2700 पुलों और क्रॉसिंग्स की तामीर मरम्मत भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। ML1 के तहत पहले मरहले में नवाबशाह और रोहड़ी तक 183 किलोमीटर दो रोया पटरी बिछाई जाएगी, जबकि लाला मूसा से रावलपिंडी तक 157 किलोमीटर, फिर इसके बाद पिशावर से नौशहरा तक 42 किलोमीटर रेलवे लाइन दो रोया होगी। रेलवे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए भी वॉल्टन रेलवे वर्कशॉप को अपग्रेड किया जाएगा। ये मरहला तकरीबन 5 साल में मुकम्मल होगा। ML1 के तहत दूसरे मरहले में कराची से हैदराबाद तक 182 रेलवे ट्रैक को दो रोया किया जाएगा। मुल्तान से लाहौर तक 339 किलोमीटर रेलवे, फिर लाहौर से लाला मूसा तक 132 किलोमीटर ट्रैक दो रोया होगा। ये मरहला 7 साल में मुकम्मल होगा। ML1 के तहत तीसरे मरहले में रावलपिंडी से नौशहरा तक 132 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक दो रोया बिछाया जाएगा और फिर हैदराबाद से मुल्तान तक 556 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अपग्रेड किया जाएगा। ये मरहला 4 साल में मुकम्मल होगा। ये तीनों मराहिल 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे। ये फाटक फ्री ट्रैक होगा जो हर रोज ट्रेनों की आमदोरफ्त 34 से बढ़ाकर 171 तक कर देगा। ML1 की तामीर के बाद ट्रेन की 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक हो जाएगी, जबकि इस वक्त औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है। इस मंसूबे के बाद आज के मुकाबले में मुसाफिर आधे से भी कम वक्त में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।